एवरीवन, वेलकम बैक टू मनोरमा मंत्रम। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैंप K12 के बारे में। कैंप K12 एक ऐसी वेबसाइट है, एक ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर हमें बच्चों को कोडिंग सिखानी है। जैसे कि आपको व्हाइट हैट जूनियर है, वेदांत हुए, वैसे ही एक ये साइट है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम इस साइट के बारे में जानते हैं पांच चीजें। पहले, कैंप K12 काम कैसे करता है। नेक्स्टली देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन अप्लाई कर सकता है। थर्डली देखेंगे कि यहाँ का सैलरी स्ट्रक्चर कैसा है। फिर बात करते हैं कि टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स क्या चाहिए हमें यहाँ पर। और लास्ट में देखेंगे कि इसका रजिस्ट्रेशन और सिलेक्शन प्रोसेस, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। ठीक है गाइस, तो कैंप K12 एक ऐसी साइट है जहाँ पर हम 6 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों को कोडिंग सिखाते हैं। कोडिंग रिलेटेड टू योर वेबसाइट, आपका एंड्रॉयड डेवलपमेंट है, आपका जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड टू ऑल गेम डेवलपमेंट्स। ठीक है गाइस, तो अच्छी खासी वेबसाइट है। जैसे कि हमारा व्हाइट हैट जूनियर का है, वैसे ही ये भी साइट है। और मेरे ख्याल से ये साइट इंडिया के अलावा US में है, दुबई में चल रही है, फिर इंडोनेशिया में है, सिंगापुर में है और बांग्लादेश में भी कर रही है। तो मीन्स इसका ग्लोबल प्लेटफॉर्म भी है, वो भी अच्छा ही है इसका। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पर कौन अप्लाई कर सकता है। तो देखो गाइस, अगर आपको बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है, आपका लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, पावरफुल है, अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो, अगर आपने स्कूलिंग कम्प्लीट किया है, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर बस चाहिए क्या, तो आपको टीचिंग का पैशन होना चाहिए सिखाने के लिए। आप घर पर बैठकर काम करने के लिए उत्सुक हो तो आप यहाँ पर काम कर सकते हो। और आपको किसी भी लैंग्वेज से रिलेटेड, मतलब टेक्निकल लैंग्वेज से रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए। फिर आपका वो जावा हो सकता है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन से हो सकता है, वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड हो सकता है, पाइथन हो सकता है, कोई भी लैंग्वेज। और अगर ये भी नहीं है गाइज, फिर भी अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो, ये लोग जब इनका इंटरव्यू प्रोसेस खत्म होता है तो वो एक ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें हमें अगर आपका टेक्निकल अच्छा नहीं है और कम्युनिकेशन अच्छा है तो वो हमें टेक्निकल की ज़्यादा ट्रेनिंग देंगे। और अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है और टेक्निकल अच्छा है तो वो आपको कम्युनिकेशन स्किल का ट्रेनिंग देंगे। मान के चलो कि चांसेस अच्छे हैं, लेकिन टेक्निकल अच्छा है तो और ज़्यादा बढ़ते हैं आपके चांसेस यहाँ पर। ठीक है, तो अब बात करते हैं। हाँ, मतलब क्राइटेरिया ऐसा कोई नहीं है, कोई भी अप्लाई कर सकता है यहाँ पर। अंडर ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएट हो, कोई भी, BCA, MCA, BTEC, MTEC, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, लॉ, जो कोई भी आपका एजुकेशन है वो यहाँ पर। 12th पास की एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है इन लोगों की, उसके बाद में आप यहाँ पर अप्लाई कर ही सकते हो। ठीक है गाइज, तो अब बात करते हैं यहाँ पर कि इसका सैलरी स्ट्रक्चर कैसा है। तो देखो गाइज, इस पर अगर आप पार्ट टाइम और फुल टाइम, ऐसे दो वर्क प्रोफाइल, अगर आप यहाँ पर पार्ट टाइम काम करते हो, मतलब कि आप अगर वीकली 20 आवर्स अगर आप यहाँ पर काम करते हो, तो आपका जो पेमेंट होता है वो मेरे ख्याल से 18,000 से लेकर 22,000 के आसपास में होता है, जिसमें 16,000 फिक्स्ड इनकम है, फिक्स सैलरी होगी आपकी, और बाकी का जो है वो डिपेंड्स अपॉन द आवर्स यू डेडिकेटेड टू दैट प्लेटफॉर्म। ठीक है, अगर आप फुल टाइम में ज्वाइन करते हो तो आपको वीकली 40 आवर्स कंप्लीट करने होंगे, जिसमें आपका पेमेंट रहेगा 40,000 से लेकर 60,000 के बीच में, जिसमें 35,000 जो है वो आपका फिक्स पे रहेगा। ये हो गए इसके सैलरी के बाद में। उसके बाद में बात करते हैं कि यहाँ पर टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स कौन से चाहिए। तो देखो गाइज, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है टीचिंग का, तो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हमें चाहिए ऑब्वियसली। एक आपको लैपटॉप चाहिए होगा, नहीं तो कंप्यूटर चाहिए होगा, एक वेब कैमरा चाहिए, माइक्रोफोन या ईयरफोन आपका, हेडफोन, और आपका चाहिए इंटरनेट। इंटरनेट की स्पीड मिनिमम 20 Mbps होना जरूरी ही है यहाँ पर, तो ही आप यहाँ पर काम कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन और सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है। तो गाइज, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत इजी है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना है, गूगल में जाना है और कैंप K12 टाइप करना है। जब आप कैंप K12 टाइप करते हो तो ये वाले साइट्स आपके सामने आएंगे, तो इसमें से आपको सबसे पहले जो साइट है उसी पर क्लिक करना है। जब आप इसके सामने क्लिक करते हो तो ये सामने जो आपको तीन डॉट्स दिख रहे हैं, तीन लाइन्स दिख रहे हैं छोटी छोटी, उस पर क्लिक कीजिए। जब आप उस पर क्लिक करते हो तो आपको सबसे लास्ट वाला ऑप्शन चूज करना है यहाँ पर, टीच विथ अस। जब आप टीच विथ अस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने ये वाला फॉर्म आ जाएगा। अब इस फॉर्म को हमें फिलअप करना है, लेकिन जब फिलअप करते हो तो ध्यान से फिलअप करना है इसको। तो इसमें हमें क्या क्या फिल करना है, जैसे कि हमारा नेम है, देन आपका फोन नंबर है, ईमेल आईडी है, ये सारी चीजें यहाँ पर आप लिख दो। फिर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, एजुकेशनल बैकग्राउंड में आप बीकॉम हो, एमकॉम हो, बीसीए है, एमसीए है या अदर्स है, जो कोई भी है यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। फिर आपको देना है आपका एक्सपीरियंस इन लैंग्वेज, मतलब आपको ये, मतलब उनके चार जो लैंग्वेजेस है, पांच जो लैंग्वेजेस है, वो बहुत ज्यादा
उन लोगों ने इस पर फोकस किया हुआ है, क्यों? क्योंकि इनका जो सिलेबस है वो इसी पर बेस्ड ज्यादा है, तो इसीलिए ये लैंग्वेजेस इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो लैंग्वेजेस कौन सी है? जावास्क्रिप्ट है, वेब डेवलपमेंट है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट है, आपका स्क्रैच है और पाइथन है। और इसमें भी इन लोगों ने डिवाइड किया है कि उसमें आपका नॉलेज ऑफ लेवल कितना है, मतलब नहीं है तो यानी पर यानी को आप चेकबॉक्स कीजिए, अगर आपका नॉलेज बेसिक है, इंटरमीडिएट है या एक्सपर्ट है, जिसमें भी है वही बॉक्सेस आप टिक मार्क कीजिए और जो सही है वही इंफॉर्मेशन फिल कीजिए। गलत कुछ भी मत लिखना, झूठ लिखने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि जब आके जाकर इंटरव्यू में आपको ये लोग उसी में पकड़ेंगे। तो बेटर वे जो सही है वही यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। तो उसके बाद में बात करते हैं कि उसमें लिखना है कि यू आर वर्किंग विथ एनी लैंग्वेज, मतलब आपने जो लैंग्वेज सिलेक्ट की है क्या इसमें से आपने कहीं पर काम किया हुआ है, तो आपको वो लिखना है। फिर लिखना है कि डिस्क्राइब द प्रोजेक्ट इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, मतलब जिस लैंग्वेज को आपने चूज किया है उसमें आपने कोई प्रोजेक्ट किया है क्या, उसके रिलेटेड कोई लिंक है क्या, तो वो लिंक भी आपको यहाँ पर देनी है। उसके बाद में लिखना है कि आपका टीचिंग का एक्सपीरियंस कितना है, आपने कितने साल तक पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया है तो देना, नहीं है तो मत देना। फिर लिखना है आपका इंटरनेट का स्पीड, इन लोगों ने यहाँ पर एक साइट दी है, यहाँ पर जाकर अगर आपको इंटरनेट की स्पीड आपकी नहीं पता है तो आप यहाँ पर जाकर ये आपकी जो इंटरनेट की स्पीड है वो यहाँ से चेक कर सकते हो। फिर आपका अगर टिक मार्क करना है कि लैपटॉप है या नहीं, माइक है या नहीं, कैमरा है या नहीं, फिर आपको चूज करना है कि आप यहाँ पर कौन सा प्लेटफॉर्म पर काम करना चाहोगे, मतलब पार्ट टाइम करना चाहोगे, फुल टाइम करना चाहोगे। उसके बाद में आपको चूज करना है कि आप कौन से ग्रेड्स के बच्चों को सिखाना चाहोगे, अगर आप 1-4 में बच्चों को ग्रेड 1-4 के बच्चों को टीच करना पसंद करते हो तो ये चूज कीजिए, नहीं तो मोर देन 5 ग्रेड्स का जो है उसको सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। फिर आपका जो भी कोई प्रोफाइल है वो होने के बाद में आपका प्रोफाइल चला जाता है रिव्यू में, अगर उनको आपका एक्सपीरियंस, आपका लैंग्वेज या आपका जो प्रोफाइल है वो अच्छा लगा तो वो विद इन 1 day or 2 days में आपको एक ईमेल कर देते हैं कि आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्टेड हो गया। जैसे देखो ये मुझे आया था, मेरा एक ही दिन में आया था ये वाला मेल, तो शॉर्टलिस्ट होने के बाद में आपको ये मेल आएगा। इसके बाद में ये लोग क्या करते हैं कि आपको एक टेलीफोनिक इंटरव्यू लेते हैं, सबसे पहले उनके टेलीफोनिक इंटरव्यू। देखो गाइस इसके प्रोसेस में मेरे ख्याल से 3-4 राउंड है। सबसे पहले होता है आपका ये जो प्रोफाइल सिलेक्शन है वो, फिर होता है आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू, फिर होता है आपका एक टेक्निकल वीडियो राउंड, क्या कहते हैं उसे, वीडियो असेसमेंट, और फिर होता है इनका एक डेमो राउंड, और लास्ट में होता है आपका ट्रेनिंग, दैट्स इट। तो इनको मतलब 3-4 डेमो देने की जरूरत नहीं है, हमें एक ही डेमो में सब कुछ हो जाएगा आपका, तो ठीक है। तो पहले आपका जब आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू चल रहा होगा वो आपका उस राउंड में आपको एक जनरल क्वेश्चंस पूछेंगे रिलेटेड टू योर एक्सपीरियंस, रिलेटेड टू द योर लैंग्वेज, मतलब आपने कौन से सिखाया है, नहीं सिखाया है, और आपने कौन से प्रोजेक्ट में काम किया है, नहीं किया है, वो सब आपको टेलीफोनिक एक हार्डली 5-10 मिनट का ये राउंड हो जाएगा। और उसके बाद में उनको अगर वो वहाँ पर आपका कम्युनिकेशन स्किल चेक करेंगे और वो अगर उनको अच्छा लगे तो फिर आपको एक मेल करेंगे और आप नेक्स्ट राउंड में चले जाओगे। तो वो नेक्स्ट राउंड होता है आपका वीडियो असेसमेंट का। तो इस राउंड में क्या होता है गाइस, इसमें कोई आपका मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस नहीं होते, जस्ट वो लोग चेक करने के लिए ये राउंड है आपका वीडियो असेसमेंट का, जिसमें ज्यादातर यही होता है कि आपका लैपटॉप ठीक है या नहीं, आपका कैमरा अच्छे से काम कर रहा है या नहीं, आपका गूगल क्रोम जो प्लेटफॉर्म उन लोगों को चाहिए वो वहां पर है या नहीं, आपका इंटरनेट स्पीड अच्छे से काम करता है या नहीं, ये सारी चीजें टेक्निकल चीजें जो है वो इस वीडियो स्क्रीनिंग के द्वारा चेक की जाएगी। उसके बाद में अगर आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हो तो फिर आपको आपका नेक्स्ट मेल आ जाएगा, वो रिलेटेड टू आपका PDF होगा, और PDF उसी लैंग्वेज से बेस्ट होगा जो लैंग्वेजेस आपने वहां पर सिलेक्ट की। सपोज आपने पाइथन पर किया है तो PDF भी बेस्ट ऑन पाइथन होगा, अगर आपने HTML को चूज किया है तो PDF भी उसी से रिलेटेड, मानो कि जिस लैंग्वेज को आपने वहां पर चूज किया है आपका डेमो इंटरव्यू राउंड उसी पर बेस्ट होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा कि जब वो लैंग्वेज चूज कर रहे हो तो अच्छी तरह से चेक करना, मतलब जिस लेवल का हमें नॉलेज है उसी पर हमें चेकआउट करना है वहां पर। तो एक बार आपने जो PDF आ जाएगा तो वो मेरे ख्याल से 60 मिनट्स का PDF है, और उसमें आपको इंटरव्यूअर को एक स्टूडेंट की तरफ ट्रीट कर आपको आपका PDF एक्सप्लेन करना है, और इमीडिएट नहीं, एक दिन के बाद में वो आपको एक रिप्लाई कर देते हैं कि अगर आप शॉर्टलिस्टेड हो जाते हो तो नेक्स्ट राउंड में आपको वो ट्रेनिंग दे देंगे, अगर नहीं हुआ तो आप फिर से अप्लाई कर सकते हो विद इन 1.5 months, और सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको ट्रेनिंग भी मिलती है, सर्टिफिकेशन भी मिलता है जो कि आपको इन फ्यूचर भी काम में आएगा।
और मुझे इस वेबसाइट की एक अच्छी बात ये लगी कि इन लोगों का कोई ऐसे पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं है, मतलब आपको 4 to 8 नहीं बैठना है सिखाने के लिए बच्चों को, तो आप मेरे ख्याल से 9 AM to 9 PM में कभी भी सिखा सकते हो, मतलब टाइम बाउंडिंग कोई नहीं है, आपको जब टाइम मिलता है, फ्लेक्सिबल आवर्स है, तो जब टाइम मिलता है तब आपको करना है, बस आपको वीकली 20 hours जो है वो वहाँ पर डिवोट करने हैं। तो दैट्स इट दिस कैंप K12। अगर इससे रिलेटेड आपके पास में कोई भी क्वेरी है तो जरूर मुझसे पूछना। फिलहाल तो मैंने मतलब जो मेरे पास इंक्वायरी, जो मेरे पास डिटेल्स थी वो मैंने आपके साथ में शेयर की है, और साइट एकदम जेन्यून है गाइज। जो इसके क्या मतलब CEO जो है वो हमारे एक्स एप्पल इंडिया के CEO रह चुके हैं, वही उनके फाउंडर भी है शायद से, तो ट्रस्टेबल है गाइज, और इंडिया बेस्ड कंपनी है तो हमें जरूर ट्रस्ट करना चाहिए इस पर। मैंने अप्लाई किया था, मुझे एक्सपीरियंस भी अच्छा आया मेरा, आप भी अप्लाई कीजिए। अगर दूसरे कहीं पर नहीं होता है तो ये सिलेक्शन के लिए अच्छा मौका है, और अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो प्लीज़ 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 गाइज मायूस मत होया कीजिए। बहुत अच्छी सी अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में और कोई भी आ सकती है, तो कीप स्माइलिंग, कीप ट्राइंग, एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए। मेरे चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और दैट्स इट, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में किसी और मंत्र के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ यू।